Hello everyone, this is Tarannum, your host of the day. Welcome to our channel Tri-City Property Guru. Guys, आज हम आए हैं जरकपुर और आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाने जा रही हूँ वो बिल्कुल एरोसिटी के नज़दीक है और यहाँ से एयरपोर्ट भी बहुत पास पड़ता है। और आज जो मैं आपको 3BHK फ्लैट दिखाने जा रही हूँ, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लो राइज प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा 3BHK फ्लैट है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स हैव द ग्लिम। चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के एक्चुअल लोकेशन पर। प्रोजेक्ट का नाम है स्प्लेंडर एलाइट। प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये हमारा पटियाला चंडीगढ़ हाईवे पे सिचुएटेड है प्रोजेक्ट। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां से आपको सारे नियर बाई स्टेट्स का एक्सेस मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सो दिस इज़ द एंट्री एंड एग्जिट गेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये 7.5 एकर्स में बना हुआ है, जहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है ओपन एरिया, आपका क्लब हाउस, आपका ग्रीन एरिया एंड एक्सेट्रा। तो आइए हम चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। सो गाइज, ये S+4 का प्रोजेक्ट है। स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी एंट्रेंस की तरफ। यहाँ पे आपके पास अपने फ्लैट में एक्सेस करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज स्टेयर्स एंड सेकंड आपके पास लिफ्ट का प्रोविजन भी दिया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। सो दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ योर अपार्टमेंट। एक फ्लोर पे दो अपार्टमेंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। मूविंग फर्दर, आपको एंट्रांस पे वुडन डोर मिलता है जिसके साथ आपको स्मार्ट लॉक भी प्रोवाइडेड है। आइए अब चलते हैं घर के अंदर। अब हम एंटर कर चुके हैं अपने एक्चुअल फ्लैट में और आप देख सकते हैं यह फ्लैट बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, जो कि 1755 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यहाँ आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये आपका ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से 8-10 सीटर सोफ़ा आराम से लगा सकते हैं। और मूविंग फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी हमारे पास स्पेस बचता है। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं इजीली। यहाँ पे 8-10 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लग जाएगा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मील एंजॉय कर सकते हैं। सो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली 14x18 स्क्वायर फिट में बना हुआ है। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग और ये टाइल्स आपको एज इट इज मिलेंगी। और मूविंग टू आर किचन, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्चुअल फ्लैट है तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी ऐसे ही मिलेंगी। यहाँ पे अवेलेबल है स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। मूविंग फर्दर, ये जितने भी कैबिनेट्स हैं आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। लोअर कैबिनेट की बात करूँ तो ये आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलते हैं। ये रही आपकी चिमनी जो कि आपको एज इट इज़ मिलेगी। और ये रहा आपका ड्यूल सिंक, ये भी आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। मूविंग फर्दर, ये है आपके पास एक ऐसा स्पेस जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पूजा घर बना सकते हैं जिससे आप पॉजिटिव रहें, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स रहें। और आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं। और इसकी एक स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है एक विंडो जहाँ से आप बिना अपना डोर ओपन किए देख सकते हैं कि दरवाजे पे कौन है। मूविंग फर्दर, जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे सबसे पहले आपको मिलता है वॉशरूम। कुछ नोटिस किया? इसकी लाइट्स जो आपको सेंसर के साथ मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो जितनी भी फिटिंग है वो सारी प्रीमियम फिटिंग है। आपको ये वॉशरूम एज इट इज मिलेगा, इसकी टाइल्स, इसकी वैनिटी, विंडो, वेंटिलेशन, आप सब कुछ देख सकते हैं। ये आपको एज इट इज प्रोवाइड होगा। ये तो थी सेंसर लाइट्स। इस घर का जितना भी लाइटिंग सिस्टम है आप स्मार्ट टच से उसको हैंडल कर सकते हैं। एज यू कैन सी,
ये तो था लाइटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक स्मार्ट होम है तो इस घर में जितनी भी लाइटिंग है, एसी है, फैंस हैं, आप उसे एक ऐप के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। सो दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12x8 स्क्वायर फिट में बना हुआ है। आप कबर्ड देख सकते हैं, दीज ऑल्सो वेरी स्पेशियस, और ये आपको एज इट इज़ मिलेंगे। इसके साथ ही फॉल सीलिंग एंड टाइल्स भी आपको एज इट इज़ मिलेंगी। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम, योर बैल्कनी। बैल्कनी को देख के बहुत ही ओपननेस फील हो रही है। आप देख सकते हैं आपकी टाइल्स, फ्लोर टाइल्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी। ये वो जगह है जहाँ पे आप कभी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और फॉर सेफ्टी पर्पस आपके पास जो रेलिंग की हाइट है वो भी बहुत अच्छी दी गई है। सो ये तो था हमारा फर्स्ट बेडरूम। मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने दोनों बेडरूम्स में जा सकते हैं। ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम। पहले हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम में। ये है आपका सेकेंड बेडरूम, ऑल्सो वेरी स्पेशियस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आराम से एक किंग साइज बेड लगा सकते हैं, फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा। इसका जो एरिया है वो 11x13 स्क्वायर फिट है अप्रॉक्सीमेटली। और ये देख सकते हैं आप आपका कवर्ड, ऑल्सो वेरी स्पेशियस। ये आपको एज इट इज़ मिलेगा विद फ्लोर एंड फॉल सीलिंग। यहाँ है आपकी एसी की डक्टिंग और द बेस्ट पार्ट योर बेल्कनी विंडो। यहाँ से आपके पास लाइट तो आएगी ही आएगी, बट यहाँ से आप अपनी बेल्कनी में भी जा सकते हैं। और यही बेल्कनी आपकी थर्ड बेडरूम से भी कनेक्टेड है। आप इस तरफ आएंगे तो ये रहा आपका वॉशरूम, जो कि अगेन विद सेंसर लाइट्स है, प्रीमियम फिटिंग है। आपका जितना भी आप फिटिंग देख रहे हैं, आपकी टाइल्स एंड ऑल, आपको एज इट इज़ मिलेगा। आपकी वैनिटी एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका वेंटिलेशन पार्ट। मूविंग फर्दर अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये रहा आपका थर्ड बेडरूम, जिसको आप मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसका जो स्पेस है वो आपका 11x15 स्क्वायर फिट्स का है अप्रॉक्सीमेटली। दीज आर योर कबर्ड्स, जो कि आपके पास बहुत ही स्पेशियस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपका जो फॉल सीलिंग है एंड टाइल्स है एंड कबर्ड्स है, ये सारा एज इट इज आपको मिलेगा। और ये रहा आपका मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम, जो कि अगेन सेंसर लाइट्स के साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वेंटिलेशन की फैसिलिटी है, आपका वैनिटी, आपका टाइल्स, ये सारा एज इट इज रहेगा। और मूविंग टू द बेस्ट पार्ट, ये है आपकी बालकनी विंडो, जहां से आपको लाइटिंग तो मिल ही रही है, साथ में हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी बालकनी में। और ये आपका रनिंग बालकनी है, जो कि सेकेंड और थर्ड बेडरूम को कनेक्ट करता है, ऑल्सो वेरी स्पेशियस। यहाँ पे आपके पास वॉशिंग एरिया भी प्रोवाइडेड है, और ये विद सेफ्टी पर्पस, ये रेलिंग का हाइट भी बहुत अच्छा है। सो गाइज, ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट रिव्यू। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बात करेंगे मेरे रिव्यूज़ की, तो मुझे पर्सनली ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड हैं। बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आपको सारे नियर बाई स्टेट्स का एक्सेस मिलता है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका 3BHK फ्लैट है, ये लो राइज प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा 3BHK फ्लैट है। और अगर मैं अंदर की भी बात करूँ, तो आपका जो फ्लैट है उसमें आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों साइड से फ्लैट ओपन है। और ये जो आपका फ्लैट है, ये स्मार्ट होम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन से अपने घर की सारी लाइट्स, आपके फैंस, आपका एसी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।
मैं चलती हूँ आपके लिए कोई नया घर ढूंढने, क्योंकि हमें दोबारा भी मिलना है। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। बाय बाय।